दिस इज स्वाति। आई होप आप सब स्वस्थ हों, मस्त हों और तंदुरुस्त हों। सो गाइज, हाउ मेनी ऑफ यू यूजिंग दिस प्रोडक्ट एम कैफीन? डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। मैं कोई रिव्यू नहीं करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का। डेफिनेटली अच्छा ही होगा, बिकॉज एक तो बहुत महंगा भी है, ऊपर से उसमें कॉफ़ी है। कॉफ़ी इज़ डेफिनेटली गुड फॉर स्किन, बट आई एम गोना शेयर विद यू अ DIY कॉफ़ी स्क्रब जो मैं बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एंड आई सॉ दिस प्रोडक्ट एंड देन जस्ट इट पॉप्ड अप इन माय माइंड कि क्यों ना मैं आपके साथ ये नेचुरल वे ऑफ मेकिंग अ कॉफ़ी स्क्रब शेयर करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कॉफ़ी स्क्रब को बनाने के लिए दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, कोकोनट ऑयल एंड कॉफ़ी। इस स्क्रब को बनाने के लिए जो मैं कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ वो एक ग्राउंडेड कॉफ़ी है, फिल्टर कॉफ़ी है, जिसका टेक्सचर ऑलरेडी दरदरा होता है, मतलब थोड़ा दानेदार होता है। आप इंस्टेंट कॉफ़ी से भी ये बना सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा शुगर ऐड करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन गेट दैट स्क्रब वाला टेक्सचर, थोड़ा आपको दानेदार टेक्सचर मिल जाए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोकोनट ऑयल को अवॉइड कर सकते हैं और रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पर। ये जो स्क्रब हम बनाए जा रहे हैं, इट हेल्प्स यू इन टैन रिमूवल एज इट्स रिवर्स सन डैमेज, रीस्टोर एजिंग स्किन एंड ब्राइटन्स योर स्किन। ये आपको ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। ये स्क्रब बनाना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। एक स्पून आपको ग्राउंड कॉफ़ी लेनी है, ग्राउंड कॉफ़ी नहीं है तो इंस्टेंट कॉफ़ी लीजिए। इंस्टेंट कॉफ़ी में थोड़ा सा शुगर मिला दीजिए तो वो ग्राउंडेड टेक्सचर आ जाएगा। अगर ग्राउंडेड कॉफ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बस फिर आपको ऑयल ऐड करना है। उसके बाद उसे मिक्स कीजिए, चेक करिए उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, वो स्टिकी स्टिकी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर स्टिकी होगा तो आराम से आप अपने फेस में उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करें? आपको इसको बहुत जेंटली अप्लाई करना है, बिकॉज़ ग्राउंड कॉफ़ी जो होती है वो बहुत ज़्यादा दर्दरी होती है, उससे आपके स्किन में मार्क्स आ सकते हैं अगर आप बहुत ही तेज़ हाथों से उसको मसाज करेंगे। नहीं, आपको बहुत प्यार से सॉफ्टली मसाज करना है सो दैट ये आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट भी हो जाए और स्किन में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। जब आप इसको अप्लाई करेंगे यू विल फील वो कॉफ़ी की जो स्मेल होती है ना, इतनी इंटॉक्सिकेटिंग होती है, इतनी मज़ेदार होती है कि आपको बहुत यू विल गेट यूज टू इट। यू विल फील लाइक कि अब तो मैं इसको अप्लाई करूँगी ही करूँगी। जस्ट ट्राई इट वंस एंड यू विल फील द मैजिक। इस स्क्रब को अप्लाई करने के बाद, अच्छे से जेंटली मसाज करने के बाद स्क्रब से, आप इसको 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक अपने फेस पर अप्लाई कर छोड़ सकते हैं। मिनिमम 10 मिनट्स के लिए तो आप इसको छोड़ें ही लगाकर, सो दैट यू नो इंग्रेडिएंट कैन वर्क ऑन योर स्किन। अब मैं आफ्टर 10 मिनट्स इसको एक हल्के से गीले टॉवल से बहुत जेंटली इसको क्लीन कर रही हूँ। आप इसको हल्के गुनगुने पानी से भी साफ कर सकते हैं। मैं इसको टॉवल से इसलिए साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, मैंने रात को अप्लाई किया है और यूजुअली मैं रात को इसको प्रेफर करती हूँ अप्लाई करना, सो दैट यू नो आफ्टर अप्लाइंग दिस आई कैन टेक माय ब्यूटी स्लीप। और आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट आई प्रेफर टू अप्लाई इट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अभी तो मैंने इसका एक मिक्सचर बना के इस तरीके से रख दिया है, सो वेन एवर आई गेट टाइम मैं इसको अप्लाई करती हूँ एंड यूजुअली आई प्रेफर टू अप्लाई दिस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। कॉफ़ी को आप इसी तरीके से नहीं, और भी बहुत सारी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी इज़ वेरी गुड फॉर स्किन एज वेल एज फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ मेरी अपकमिंग वीडियोज़ में। सो मैं रात को उसको अप्लाई करती हूँ एंड देन आई लेट द कॉफ़ी वर्क ऑन माई स्किन एंड देन आई गो टू स्लीप।
अब ये कॉफ़ी स्क्रब बनाने का आइडिया मेरे माइंड में कैसे आया? नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन. मुझे लास्ट ईयर किसी ने ग्राउंड कॉफ़ी का एक पैकेट गिफ्ट किया था, बट बाद में मैंने चेक किया कि कुछ टाइम बाद एक्सपायर होने वाली है, इतनी जल्दी तो मैं इसको इतना यूज़ कर भी नहीं पाऊंगी. देन आई स्टार्टेड यूजिंग इन दिस फॉर्म बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट दिस, और मैं किसी को दे भी नहीं सकती क्योंकि लोग बोलेंगे अरे 6 महीने बाद एक्सपायर होने वाली है और ये हमको गिफ्ट कर रही है ऐसी कॉफ़ी. तो मैंने इसको इस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. आप भी इसको यूज़ कीजिए और डू लेट मी नो आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा. सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको ये सुपर कूल और सुपर ईजी DIY पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 हिट दैट लाइक बटन, इसको यूज़ कीजिए एंड देन डू लेट मी नो. इसी तरह की कुछ कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें, सुपर ईजी सुपर कूल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी. अगर आपको इसी तरह की चीज़ें पसंद हैं, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल सो दैट मेरी किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए. डू फॉलो मी ऑन इंस्टा, लाइक माई फेसबुक पेज. टिल आई सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी. टाटा.